ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਅਧਿਆਇ 51 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਰੇਤ ਪੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਅਪਰਾਧ ਮਿਟਾ ਦੇ ਮੇਰੀ ਬਦੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਪ सदा मेरे सामने है। मैं तेरा हाँ तेरा ही पाप कीता अते तेरी निगाह विच ये बुराई कीती तां जो तू अपने फैसले विच धर्मी ठहरी अते अपने न्याय विच तू साफ निकली। वेख मैं बदी विच जम्मिया अते पाप विच मेरी माता ने मैनू कुख विच लिया। वेख तू अंदरली सच्चाई चाहुंदा है अते गुप्त मन विच मैनू बुद्धि सिखावेंगा। जूफे नाल मैनू पाक कर तां मैं शुद्ध हो जावांगा। मैनू तो तां मैं बर्फ नालों भी चिट्टा हो जावांगा। मैनू खुशी अते आनंद सुना तां जो ओ हड्डियां जिन्हां नूं पैर तोड़ दिता बाग बाग हों मेरे पापां वल्लों मूँह फेर लै अते मेरियां सारियां बदियां मिटा दे। हे परमेश्वर मेरे लिए एक पाक मन उत्पन्न कर अते मेरे अंदर नवें सिरे तो स्थिर आत्मा भी। मैनू अपने हजूरों ना तक अते अपना पवित्र आत्मा मैथों ना लै। अपनी मुक्ति की खुशी मैनू मोड़ दे अते अपने परमात्मा नाल मैनू संभाल। तद मैं अपराधियों नूं तेरे राह सिखावांगा अते पापी तेरे वल मुड़नगे। हे परमेश्वर हे मेरे मुक्ति दे परमेश्वर मैनू खून दे दोष तों छुड़ा तां मेरी रसना तेरे धर्म दा जय जयकार करेगी। हे प्रभु मेरे बुल्लां नूं खोल दे तां मेरा मुँह तेरी उस्तत सुनावेगा। तू तां बलिदान नाल प्रसन्न नहीं हुंदा नहीं तां मैं उदिंदा। हूँ बलि तो तू खुश नहीं होगा। परमेश्वर का बलिदान टुटे हुए आत्मा है। हे परमेश्वर टुटे अते अजीज दिल में तू तुच्छ ना जानेगा। अपनी कृपा नाल सियोन का भला कर अते यरूशलम दियां वसीलां नूं बना दे। तद तू धर्म दियां बलिदानां विच प्रसन्न होवेगा अर्थात होम अते पूरी होम बलि विच। तद वो तेरी जगवेदी उत्ते बलद चढ़ाउणगे। आमीन।